पुण्यात्मा अध्यात्म मार्ग का अपने को कैक है भी पता नहीं था आज तक। और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से, के ज्ञान से परिचित नहीं तो टीचर कैसा। जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहाँ अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहाँ जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफ़ेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो वहाँ चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये हैं जो सामने तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजोमय शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सेवादार की तरह सवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजोमय शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहाँ रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा, उनको अलग स्थान है, वो अलग से 32nd पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छे इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए छोड़ के स्थान। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहाँ थे आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूँ, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है, आपने आँखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया, दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे उन्होंने नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना, तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहाँ से तैयार किया और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी, और आप जाना मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को,
कि बर्मा पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा, और उस बर्मे पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा, तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर, देखा हिलाकर वो गिर गए, मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परमपिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला, ग्रीब कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मकंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संते, नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर, दोने नो बिच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम।